Hello guys, in the first part you saw that how the masking of a last is done, and after lasting we get like this. In the second part we will learn that how a mean form is made after masking. So let us start. ये हमने complete कर लिया masking, ठीक है, last के ऊपर. अब इस last का हमें mean form निकालना है. तो उसको ये outer part हो जाएगा, ये inner part हो जाएगा. अब इन दोनों पार्ट की हेल्प से हम मीन फॉर्म निकालेंगे. तो मीन फॉर्म कैसे निकालते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं काम. सबसे पहले आगे हम सेंटर ले लेंगे, फ्रंट पोर्शन का ये सेंटर पॉइंट हो गया. ये इस पोजीशन पे ये जो एरिया है इसका सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे. ये आप चाहे तो स्केल की हेल्प से भी ले सकते हैं कि सेंटर कहाँ आएगा. वैसे ही आप बैक पोर्शन पे भी आप सेंटर ले लेंगे कि इस एरिया का सेंटर कहाँ जा रहा है. ये हो गया, वैसे इस पोजीशन का भी सेंटर ले लेंगे आप. अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन. वैसे ही इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट, पहले पॉइंट ले लेंगे हल्का सा सेंटर में इसको, और इन पॉइंट को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे. आप देख सकते हैं ये लाइन आपको दिख रही होगी स्ट्रेट लाइन. अब इस लाइन को और इन दोनों लाइनों को हम कट कर लेंगे. पहले हम बैक पोर्शन को कट कर लेते हैं. ये हमने बैक का कट कर लिया, वैसे इस लाइन को भी हम जो स्ट्रेट लाइन थी हम कट कर लेंगे. आप देख सकते हैं ये फाइनल कट हो गया. यहाँ पे एक पॉइंट शो हो रहा है अंदर से, ये पॉइंट जो है लास्ट के ऊपर ही ऑलरेडी मेंशन है. इस पॉइंट को हम पेन की हेल्प से यहाँ मार्क कर लेंगे. ये हमारा बैक पॉइंट होगा, ये हमारा लास्ट का आउटर एरिया है, आउटर पार्ट. ये एरिया थोड़ा हायर पॉइंट हायर है, उभरा हुआ है. जब इस लास्ट को हम प्लेन सीट पे या प्लेन फर्स्ट पे जब रखेंगे तो ये हायर जो पॉइंट टच कर रहा है इसको हम आउटर बॉल पॉइंट कहते हैं. वैसे ही इस तरफ इनर साइड को भी लास्ट हम जब रखेंगे लेन पे तो ये जो टच करेगा ये अलगा सा रब कर लेंगे. और रब करने के बाद इसको इस पोजीशन पे रखेंगे कि ये ऊपर उभरा नहीं चाहिए, दोनों बराबर मैश हो. ऐसे हल्का सा रब करेंगे तो आपको देखिए पॉइंट मिल रहा होगा, इसको आप मार्क कर लें. ये इनर बॉल पॉइंट हो गया, वैसे आउटर साइड में भी आप ऐसे करके हल्का सा रब करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे. इसको आउटर बॉल पॉइंट कहते हैं, ठीक है. इन दोनों पॉइंटों का हेल्प से हमें एक पॉइंट मिलेगा, उसको बैक पॉइंट बोलेंगे. इन पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम अपर स्टैंडर्ड बनाएंगे वहां जरूरत पड़ेगी. तो फिलहाल इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. आप देख सकते हैं ये लाइन शो हो रही होगी, ये पूरा ओवर ऑल ये जो पॉइंट हमारा है, इन लाइन को ये लाइन हमने ड्रॉ करने के बाद जो कट किया है इंटरसेक्ट हुआ ये, इस पॉइंट को हम वन पॉइंट बोलते हैं. अब इस आउटर पार्ट को हम इस प्लेन सीट पे रिमूव करके चिपकाएंगे मीन फॉर्म निकालेंगे. तो इसके लिए हम फ्रंट पोर्शन से दो एरिया से हम पहले टेप रिमूव करेंगे लास्ट के ऊपर से. इस तरीके से हमारा टेप फाइनली रिमूव हो गया और ये आउटर साइड का एरिया है, इसको हम ऐसे टेप को ग्रिप करेंगे ऐसे और पेस्ट कर लेंगे. सबसे पहले मिडिल पोर्शन पे हम दांत को फ्री के हेल्प से पेस्ट करेंगे इसको. कोशिश करना है रिंकल कम से कम आए, इस पोजीशन पे हल्का सा रिंकल आ सकता है, ये सीट पोर्शन है और यहाँ पे भी आ सकता है. ये फ्रंट दो पार्ट है, ये सबसे पहले सेंटर पे हम प्रेस करेंगे इस तरीके से. कोशिश करना हमारा रिंकल कम से कम आए. आप देख सकते हैं ये हमने आउटर पार्ट को पेस्ट कर लिया, इसके ऊपर आप लिखते हैं आउटर पार्ट. साइज जो है हमारा 7 साइज का लास्ट है, 7 साइज लिख लेंगे. लास्ट का नंबर सपोज करें 1 2 3 है तो 1 2 3 ये इतना
वर्क आपको करना है। इसके बाद सेम यही प्रोसेस हम एक सीट और लेंगे और इनसाइड का जो टेप है इसके ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से ग्रिप करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले सेंटर, मिडिल पार्ट पे करेंगे हम पेस्ट इसको। आप देख सकते हैं हमारा इनर साइड का पेस्टिंग होगी, इस पे हम लिख देंगे इनर पार्ट साइज 7 था, 7 लिख देंगे, लास्ट नंबर था 1 2 3, तो 1 2 3 हमने लिख दिया। इसके आउटर एरिया जो भी हमारा आउटर पार्ट है इसको हम कट करके रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे कट के इस फॉर्म लुक में आएगा, वैसे ही इस पार्ट को भी कट कर लेंगे आउटर एरिया इसका। ये हमारा आउटर पार्ट हो गया और ये हमारा इनर पार्ट हो गया। इन दोनों पार्ट की हेल्प से हम इन पार्ट का मीन फॉर्म निकालेंगे। इसका मीन पार्ट मीन फॉर्म जो है कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट था इसको शो कर लेंगे, वन पॉइंट था, ये बैक हाइट था, इसको नोच इसका हम निकाल लेंगे, लगा लेंगे हम नोचे से हम शो करेंगे। ये आउटर पॉइंट था इस, ये सारे जितने पॉइंट हमने शो कर रखा था ये देख ले सकते हैं आप, इन नोसेस शो कर लेंगे हम। देख सकते हैं बैक हाइट 1 पॉइंट, ये आउटर वॉल पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट इसको हम क्या करेंगे, आउटर पार्ट को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले तरीके से हम ड्रॉ करेंगे आउटर पार्ट। अब इस पार्ट पे हम ये इनर पार्ट ड्रॉ करेंगे। इसके ख्याल रखना है हमें, ये जो वन पॉइंट है ये बैक पॉइंट जो है इनर पार्ट है, जब इसके आउटर पार्ट के ऊपर रखेंगे तो ये वन पॉइंट, ये बैक हाइट, ये इसका बैक हाइट, ये वन पॉइंट मैच होना चाहिए, एक पोजिशन पे सेम होना चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मैच करने के बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे। देख सकते हैं ये इनर लाइन था, इसको आप चाहें तो इनर लाइन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ये आउटर लाइन था, आउटर लाइन। यहां से यहां तक पोजीशन में जो भी हमारा गैप आ रहा है आउटर प्रोफाइल सेम रखेंगे, ये जो गैप आ रहा है इसमें इसके बीच में हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो दोनों लाइनों के बीच का डॉटेड लाइन, ये इसको मीन भी बोल सकते हैं आप, इन दोनों लाइनों का इस तरीके से। यहाँ भी गैप है, इस गैप का भी मीन हम ले लेंगे। इस लाइन को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे हल्का सा है अगर है तो इसको हम डॉटेड ले लेंगे। अब ये जो डॉटेड लाइन है और इसका आउटर लाइन है इसको हम कट करके रिमूव कर लेंगे। देख सकते हैं फाइनली हमने
कट कर दिया है। कट करने के बाद ये जो पार्ट हमारा मिला है, इस पैटर्न को हम मीन फॉर्म बोलेंगे। इन आउटर और इनर, इन दोनों पार्ट का ये जो पैटर्न निकला है हमारा, ये मीन फॉर्म है। अब इसमें जो भी पॉइंट है, ये वैम पॉइंट है, ये बैक हाइट है, इसको हम शो कर लेंगे नोश लगा के। ये जो आउटर पॉइंट था, आउटर पॉइंट वॉल पॉइंट का दोनों नोश करने हम शो करेंगे इसमें इस तरीके से। ये बैक पॉइंट, बैक हाइट, आउटर इनर का पॉइंट, ये जो हमारी लाइन जो शो हो रही इसमें, ये इनर लाइन थी। हमने कट कर दिया नाइफ से, इसको स्लॉट खोल लेंगे हम डिवाइडर के हेल्प से, जिसे पेंसिल आसानी से इसमें मार करने के लिए पेंसिल इसमें अंदर से मार कर लेंगे। ये फाइनली हमने मीन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। अब इस मीन फॉर्म के हेल्प से कोई भी हम डिजाइन कर सकते हैं, कैजुअल कोई डिजाइन है वो कर सकते हैं, डर्बी शूज बना सकते हैं, आप स्पोर्ट्स शूज बना सकते हैं, कोई भी शूज जो भी हमें बनाना है। ये हमारा लास्ट था, इस लास्ट का हमने ये मीन फॉर्म निकाल लिया। अब इस कोई भी डिजाइन एक्स वाई जेड हम बना सकते हैं, तो चलिए हम बनाएंगे। सबसे पहले डरी सूज हम बनाएंगे इस मीन फॉर्म के। गाइस, यू सॉ इन दिस पार्ट दैट वी मेड द आउटर पार्ट ऑफ द शू लास्ट एंड द इनर पार्ट ऑफ द शू लास्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ दीस टू पार्ट्स आउटर एंड इनर वी क्रिएटेड ए मीन फॉर्म विच इज लाइक दिस। ऑन दिस मीन फॉर्म इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट थर्ड we will learn that how the upper standard of a derby shoe is made. Please keep on watching, please subscribe, comment and share. Thank you very much.